हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड प्रोडक्ट स्टडी। मेरा नाम है राहुल डंडोतिया और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स का फोर्थ पार्ट, यानी कि थ्री पार्ट में ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में इजीली जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड देन इसके में ऑल पार्ट भी, यानी कि और पार्ट भी इसमें आई थिंक 7 या 8 पार्ट हैं। सो ये प्रॉपरली जो फोर्थ पार्ट है वो बेसिकली वो अभी इसी के लिए बनाए, कह सकते हैं व्यापम के लिए। अभी सब इंजीनियर एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि 4 अगस्त इसका एग्ज़ाम डेट है। एंड एसएससी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल आता है लास्ट मंथ, ईयर के लास्ट मंथ में, यानी कह सकते हैं नवंबर दिसंबर में। सो नाउ, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल प्रेस भी कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यू आर गिवन ए सैम्पल ऑफ अ सॉइल कंटेनिंग कोर्स स्क्रीन टू डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट यू विल यूज़। कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जो पिकनोमीटर है, पिकनोमीटर में जो यूज़ करते हैं, तो देन वो कौन सा सैंपल है? सब सॉइल का सैंपल है, लेकिन उसमें कंटेंट क्या रहता है? कोर्स स्क्रीन रहता है, ना कि फाइन स्क्रीन। तो ये कोर्स स्पेशली याद रखना, ये कोर्स स्क्रीन के लिए ही यूज़ होता है। तो पिकनोमीटर में ये टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो कोर्स स्क्रीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्पेशली ये बनता है क्वेश्चन, टू डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट यू विल यूज़, कौन सा हम यूज़ करते हैं? तो पिकनोमीटर। अब इसका वाटर जो पिकनोमीटर, इससे ये क्या कहते हैं टेस्ट यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सॉइल की, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते फाइंड करते हैं। एंड इसमें टेस्ट कैसे होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिकनोमीटर का वेट वेट पता करते हैं, ठीक है। पिकनोमीटर का वेट देखेंगे, उसके बाद 200 ग्राम का सॉइल लेंगे, उसमें उसका वेट देखेंगे, ठीक है, 200 ग्राम सॉइल। फिर उसको फिल करने के बाद फिर उसका वेट देखेंगे, तो W2 यानी कि ये रीडिंग होगी। देखो फर्स्ट जो रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग क्या करेंगे कि एम्प्टी वेट पिकनोमीटर, यानी पिकनोमीटर का जो एम्प्टी वेट, उसका फर्स्ट रीडिंग हो गया और रजिस्टर पे लिख लेंगे। एंड उसके बाद सेकंड जो रीडिंग लिखेंगे, तो वो रीडिंग होती है उसके साथ ड्राई, यानी कह सकते हैं ड्राई सॉइल 200 ग्राम का, उसका फिर वेट देखेंगे, ठीक है। और थर्ड जो रीडिंग देखेंगे, तो वो ड्राई सॉल होगी विद वाटर के साथ, उसमें वाटर भी मिक्स करेंगे, उसकी उसका वेट देखेंगे। लास्ट में जो देखते हैं, तो फिल करने, उसके बाद पूरा क्लीन करने के बाद उसमें ओनली ऑन वाटर फिल करते हैं। वाटर फिल करने के बाद फिर W4 आ जाता है रीडिंग। तो उसका ये फार्मूला होता है याद रखना, पिकनोमीटर का फार्मूला होता है, ये भी याद रखना स्पेशली स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो W2 - W1 / W2 - W1 / W3 - W4, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये इट्स इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन बनते हैं इसका फॉर्मूला एंड दैट दिस इज, ठीक है, पिकनोमीटर ये कोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और मैंने आपको बता दिया इसमें प्रोसेसिंग क्या होती है। ओके, है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेस्टर्न गार्ड एनालिसिस यूज फॉर, जो वेस्टर्न गार्ड एनालिसिस है वो किस लिए, किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल। और स्ट्रेटिफाइड सॉइल होता क्या है? स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है कि सॉइल की लेयर होती है ना, काफ़ी लेयर होती है सॉइल की, उसी चीज़ को बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड सॉइल। तो हम डेफिनेशन में भी रीड कर सकते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल आर दोज सॉइल विच आर फॉर्म बाय लेयर अपॉन लेयर, इन लेयर अपॉन लेयर ऑफ द अर्थ और डस्ट, कह सकते हैं डिपॉजिटेड ऑन ईच अदर, ठीक है। इस चीज़ को स्ट्रेटिफाइड बोल सकते हैं। एंड इफ द फ्लो इज पैरेलल टू द लेयर ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन, द परमिबिलिटी इज मैक्सिमम, यार ना परमिबिलिटी इज मैक्सिमम व्हाइल द फ्लो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकर विद मिनिमम परमिबिलिटी। अब एक वर्ड आया कि परमिबिलिटी होती क्या है, परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी आप जानते हैं क्या होता है, सिंपल है। परमिबिलिटी मैं देख सकता हूँ कि सपोज कंक्रीट की कोई भी चीज़ बनी होती है, कंक्रीट का सपोज एक हम कह सकते हैं ब्रिक, चलो ब्रिक कह सकते हैं, ब्रिक बना लिए कंक्रीट से, ठीक, कंक्रीट की ब्रिक बना लिए, तो उसमें जो पानी ऊपर से फ्लो करते हैं, तो देन नीचे से सिंकिंग पानी होता है, नीचे से पानी निकल जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उस चीज़ को बोला जाता है परमिबिलिटी। तो आइए देखते हैं परमिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि परमिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल सैंपल विच परमिट, क्या परमिट करता है द फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू इट, इट कह सकते हैं कोई भी, कह सकते हैं कोई भी ब्रिक कह सकते हैं, स्टोन कह सकते हैं, या किसी चीज़ से बना हुआ कॉन्क्रीट से बना हुआ कोई भी स्टोन है उस चीज़ को बोल सकते हैं। तो उस चीज़ में जो परमिट होता है, वाटर परमिट होता है, निकल जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, परमेबिलिटी। अब देख सकते हैं फाइन, ये रैपिड रेन हो रहा है, ग्रेबल, या अब देखते हैं, अब ये जो ये ग्रेबल है, ठीक है, ग्रेबल में
रैपिड ड्रेनेज यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें परमिटी रहता है, और फाइन में थोड़ा कम रहता है, और क्ले में और ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि इसमें स्पेस कम रहता है, समझ रहे हो? इसमें वॉइड कम रहता है, इसलिए इसमें से फ्लो नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता वाटर, सो परमिलिटी वही होता है। तो देन आंसर इज स्ट्रेटिफाइड सॉइल। तो समझ में आ गया, तो प्लीज़ अच्छा है आपके लिए। एंड दैट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, द इफेक्टिव सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है। द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का इफेक्टिव साइज है सॉइल पार्टिकल का, तो वो किससे डिनोट करते हैं? तो कह सकते हैं यार अपना D10 से करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो जो मैक्सिमम पार्टिकल डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट 10% ऑफ द सॉइल पार्टिकल, मै इट इट गिव्स क्या देता है ये, इफ इट गिव्स द मैक्सिमम पार्टिकल डायमीटर, ये डायमीटर मैक्सिमम पार्टिकल देता है, यानी कि D10 ऑब्वियसली 10% सॉइल पार्टिकल स्मॉल रहते हैं। याद रखना मैं बताता हूँ कि सपोज आप ये छोटे छोटे आपने पार्टिकल ले लिए स्टोन सॉइल के, कह सकते हैं फाइन वाले, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डायमीटर के रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम पार्टिकल रहेंगे, डायमीटर मैक्सिमम पार्टिकल रहेंगे, बट इस टाइम में रहेंगे तो मिनिमम पार्टिकल रहेंगे, ठीक है? सो देन वही है कि जो D10 है, तो D10 क्या देता है, मैक्सिमम पार्टिकल देता है, डायमीटर के ना मैक्सिमम पार्टिकल देता है, क्योंकि D10 स्मॉल है, स्मॉलेस्ट 10% है सॉल पार्टिकल का, तो वही है रीज़न। एंड यूनिफॉर्म, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला है ये, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि फार्मूला से बेसिक डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट का फॉर्मूला बताइए CU। तो सिंपल है, D60/D10 याद कर लेना, D60/D10। अभी मैं बताता हूँ उनके बारे में, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 एंड D10। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब D60, D30, D10 होता क्या है, अभी मैंने ऑलरेडी D10 बता चुका हूँ, बट फिर भी द पार्टिकल डायमीटर ऑफ द करस्पॉन्डिंग, यानी कि जो डायमीटर पार्टिकल डायमीटर होता है उसका करस्पॉन्ड नहीं किसके, 60, 30, 10% फाइन ऑन द कम्युलेटिव पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रेस्पेक्टिवली। सो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अंडर रिम्ड पाइल होती क्या है, अंडर रिम्ड पाइल होती क्या है, अभी मैं बताता हूँ। ये भी बोर पाइल होती है, बोर करते हैं कभी पानी खुदाई के लिए, बोर करते हैं वही चीज़ को अंडर रिम्ड पाइल बोला जाता है। कह सकते हैं बोर पाइल इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन में काफ़ी ऑप्शन आएंगे, तो उसके आंसर अपना बोर पाइल रहेगा। अब आइए देखते हैं, ये अपना अंडर रिम्ड, ये बोर पाइल हो रहा है, तो अंडर रिम्ड पाइल अभी अंदर जो कि अंडरग्राउंड में बताऊंगा। देखो इंट्रोडक्शन के देखते हैं क्या है, अंडर रिम्ड पाइल मेड बाय CBRI से बना होता है, यानी कह सकते हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से मेड किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कह सकते हैं दे आर द मेड ऑफ आर सी से बना होता है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, एंड इन द बॉटम पोर्शन ऑफ द पाइल इनलार्जिंग पोर्शन इज गिवन विच कॉल्ड द अंडर रिम्ड, और बल्ब भी बोला जाता है। अब आते हैं, देखिए इफ पाइल हैज़ वन बल्ब, सपोज एक बल्ब है तो उसको सिंगल रिम्ड बोलते हैं, और टू बल्ब हुआ तो उसे डबल बम रिम्ड बोलते हैं, और मोर देन बल्ब हुए तो देन इसको बोलते हैं मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन पूछ लिया सपोज कि वन बल्ब इज नोन एज, क्या बोल दिया हम आंसर, ऑप्शन में आएगा सिंगल रिम्ड या डबल रिम्ड या टू मल्टीपल रिम्ड, तो आंसर आएगा सिंगल रिम्ड पाइल। ऐसे इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं, वो देख सकते हैं वो जो बल्ब है, आपको तो डायग्राम बता देता हूँ, ये सिंगल रिम्ड है, ये डबल रिम्ड है, तो ये सिंगल रिम्ड कह सकते हैं, ये डबल रिम्ड कह सकते हैं। फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइल इतना नहीं पूछा जाता बट फिर भी बता देता हूँ, 20 to 50 cm इसका डायमीटर रहता है, ये कह सकते हैं, ये रेनफोर्स है, ये ना ये रेनफोर्स है, बार कह सकते हैं। डायमीटर ऑफ द बल्ब कितना रहता है, 2 to 3 times ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइल, यानी कि इससे तीन गुना ज़्यादा रहता है, 2 to 3 times, ये ना ये देखो तीन गुना ज़्यादा रहता है। और लेंथ ऑफ द पाइल 3 to 8 meter रहती है, स्पेसिंग बिटवीन द टू पाइल्स 2 to 4 meter रहती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द अंडर रिम पाइल कैसे होता है, देखो अंडर रिम पाइल्स आर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड बाय मैनुअल वर्क, द मशीन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल इज मेड बाय CBRI, अभी बता दिए रुड़की। द मशीन इज ईजी टू यूज एंड इट लाइटली वेटेड, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 tools, इसके 3 tools हैं, फर्स्ट स्पायरल ऑगर, अंडर रिम रेमर, बोरिंग गाइड। अब स्पायरल ऑगर होता क्या है, स्पायरल और ऑगर क्या किया जाता है, इसमें होल किया जाता है, जो लैंड है ना लैंड उसमें होल किया जाता है, तो वो स्पायरल ऑगर से ही यूज़ किया, इससे ही खुदाई करते हैं। देन ऑगर क्या होता है, ऑगर ऑगर कंटेन स्पेशल कटर एट द बॉटम टू डिग लैंड, यानी कि डिग लैंड क्या होता है, खुदाई करते हैं एंड बॉटम में, और उसको कट करता किया जाता है, द सॉयल दैट इज डग इट टेकन आउट एंड बकेट, और सॉयल को क्या कहते हैं, जो बोरिंग सॉयल है दैट इज डग, यानी कि इसको फेंकते हैं और
बकेट में इसको फिल करते हैं, तो देन उसी चीज़ को प्रोसेस में बोला जाता है। सीधी बात ये है कि जो अंडरग्राउंड पाइल होती है वो बोर पाइल हो रहा बोला जाता है, बट मैं ये एक्स्ट्रा बता दिया आपके लिए जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट बिटवीन, तो ऑब्वियसली लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट होता है, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स को जो डिफाइंड है तो किसके रेंज है, तो कह सकते हैं लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, याद रखना। यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, इज द मेजर ऑफ द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द साइज ऑफ द रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट वेयर द सॉइल एग्जिबिट प्लास्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि कह सकते हैं ये रहा प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, एल एल माइनस पी एल से डिनोट किया जाता है। अब आते हैं लोस इज अ, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ये टाइप ऑफ सॉइल के होते हैं कि लोस इज अ, लोस इज अ सिल्टी के लिए, सब सिल्टी के लिए फॉर्म्ड, किससे फॉर्म्ड होता है, उत्पन्न होता है, फॉर्मेशन कह सकते हैं, बाय एक्शन ऑफ ऑब्वियसली विंड। अब लॉस होता क्या है, लॉस सिंपल है, ईओलाइन सॉइल होती है, ईओलाइन वही चीज़ को लॉस बोला जाता है, यानी कह सकते हैं ये डेजर्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ ज़्यादा हवा, यानी कह सकते हैं राजस्थान है, राजस्थान वो सबसे ज़्यादा यही सॉइल पाई जाती है, बिकॉज वहाँ एयर ज़्यादा फ्लो होती है, उसी के कारण ये उत्पन्न यानी कि कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है लॉस सॉइल का। यानी विंड ब्लो कह सकते हैं, इसमें दो टाइप की होती हैं, देखो विंड ब्लो सॉइल और ईओलाइन सॉइल भी बोला जाता है। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द जियोलॉजिकल एजेंट विंड, विंड से ये ट्रांसपोर्ट होता है, इतना डिटेल में ठीक है। देखो कह सकते हैं लो सॉइल, तो वही सेम है, इसके दो टाइप के होते हैं, एक तो ड्यून और ड्यून सैंड। ड्यून सैंड भी ऑप्शन में आया, सपोज कि ड्यून सैंड इस सिल्टी के लिए फॉर्म्ड, यानी कि इसकी जगह ड्यून सैंड आ गया, और ड्यून सैंड तो वो किससे फॉर्म होती है, तो ऑब्वियसली वो भी विंड आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये इतना है, नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम प्रेशर विच अ सॉइल कैन कैरी विदाउट शेयर फेलोर, इसी क्या बोला जाता है। अब याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, मैक्सिमम यानी कि हाँ देखो सपोज जो सॉइल है, ठीक है सॉइल है, सपोज लैंड है, जमीन है, तो उसमें जो मैक्सिमम प्रेशर सॉइल एब्जॉर्ब करती है, कैरी करती है बिना फेलुअर के, बिना उसके, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, सिंपल है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब नाम से आपको पता चल रहा है, यानी सेफ होना, उसमें कोई भी फेलुअर ना होना, और बियर क्या करता है, बियर एब्जॉर्ब करता है किसको, कैपेसिटी को। कैपेसिटी क्या होती है, ऑब्वियसली क्षमता, सिंपल है, यानी कि बियर करता है कैपेसिटी को सेफ में बिल्कुल, तो वो फेलियर नहीं होता, तो उसी चीज़ को बोला जाता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो मैक्सिमम प्रेशर लेती है विद विच सॉइल कैन विदाउट विद स्टैंड विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर, वाइल जबकि अल्टीमेट जो बियरिंग कैपेसिटी इज मिनिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच सॉइल फेल्स इन शेयर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अल्टीमेट, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डायरेक्ट पूछ लेंगे और सेफ बियरिंग कैपेसिटी, तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि द वाटर कंटेंट इन अ सॉइल सैंपल व्हेन इट कंटिन्यूज टू लूज वेट विदाउट लूजिंग द वॉल्यूम इज कॉल्ड, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर कंटेंट इन सॉइल सैंपल में, तो उस कंटिन्यू लूज वेट हो जाता है विदाउट लूजिंग वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम वैसे उसका साइज होता है किसका, सॉइल का, सपोज कोई भी सॉइल है, इसमें फिल कर दिया, पूरा फिल कर दिया, उसका जो साइज है फिल कर दिया पूरा इसमें सॉइल, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है बिना वॉल्यूम के, क्या उसका वेट कम होना, तो इसी चीज़ को श्रृंखला लिमिट बोला जाता है। श्रृंखला लिमिट का आप देख सकते हैं फॉर्मूला ये है, तो ये आप रट लेना कि एम वन माइनस एम टू अपन एम टू इन 100 माइनस एम वी वन माइनस वी टू अपन एम टू पी डब्ल्यू 100, तो कह सकते हैं इसमें जो एम वन क्या होता है, एम टू क्या होता है, वी वन क्या होता है, वी टू क्या होता है, पी वन क्या है, तो एम वन मास ऑफ द वेट, मास ऑफ द वेट सॉइल इन द डिस्क, यानी कि वेट वेट सॉइल क्या होता है, वेट वेट सॉइल होता है जो कि नमी होती है, नमी थोड़ा पानी मिला हुआ होता है, और ये ड्राई सॉइल होता है, और वी वन क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वेट सॉइल, यानी कि स्टार्टिंग का जो वॉल्यूम होती है उसका वेट सॉइल, और ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल, तो इसका ही आंसर है श्रृंखला लिमिट, ठीक है इतना ही इनफ है। एंड नेक्स्ट आते हैं कि जो द चेंजेस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, जो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का, जो मॉइस्चर कंटेंट का चेंज होना, तो क्या चेंज करता है, तो सिंपल है वो करता है वॉल्यूम ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, अमाउंट ऑफ द कंपैक्शन रिक्वायर्ड, और कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, तो ये सब चेंज करता है जब सॉइल सॉइल के कंट सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट का चेंज होता है, तो क्या यही चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोजन लेस सॉइल, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं कोजन लेस सॉइल क्या होती है, ऑप्शन आएगा सैंड, क्ले, सिल्ट, ये सब ऑप्शन आएगा, तो आपको आंसर आएगा सैंड। अब देखो लेस आ गया, लेस आया यानी कोहिजन, कोहिजन कम होना, तो सिंपल है जिसमें चिपचिपापन होना, थोड़ा पानी, तो सैंड में बहुत ही सैंड में नहीं होता है, यानी कोहिजन लेस सॉइल बोला जाता है सैंड को। अब मैं थोड़ा और बताता हूँ जो कि क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कोहिजन लेस सॉइल
ऑब्वियसली एज कोहिजन। देखो एग्जाम्पल क्ले और सोल्ट, ये कोहिसिव सॉइल है। कोहिसिव सॉइल होती है क्ले सिल्ट, जिसमें चिपचिपापन होता है, उसमें आप कोई भी शेप बना सकते हैं क्ले में, और सिल्ट से आप कोई भी शेप बना सकते हैं मिट्टी से। बट याद रखना, सैंड से कभी नहीं बना सकते कोई भी शेप, ठीक है। कह सकते हैं उसमें आप सैंड लेना हाथ में तो अभी उसका शेप बना सकते हैं, नहीं बना सकते इसमें। तो कोहिजन लेस सॉइल क्या होती है, इसमें सैंड और ग्रेवल, इस चीज़ को कोहिजन सॉइल बोला जाता है। याद रखना, ये जो मैंने दिया है इसमें ये क्वेश्चन दोनों 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक फोर क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे कोहिजन लेस सॉइल डायरेक्ट पूछ लेंगे तो ऑप्शन आएगा उसमें क्ले सिल्ट सैंड, तो आंसर आपका क्ले या सिल्ट कोई भी दे सकते हैं। और कोहिजन लेस सॉइल का आएगा तो सैंड और ग्रेवल आंसर दे सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे, क्रिटिकल हाइड्रोग्रेड का ग्रेडियंट का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई सी इजिकल टू जी माइनस वन अपन वन प्लस ई, और ये न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे इफ जी इज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जानते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ऑफ सैंड पार्टिकल का। ई इज़ अ पोरोसिटी बेसिकली, हाँ ई इज अ पोरोसिटी, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो आपका आंसर रहेगा जी माइनस वन अपन वन प्लस ई, याद ही कर लेना, इसका न्यूमेरिकल भी बनता है। ऑन वेटिंग कोहेसिव, देखो वेटिंग जब जब नमी पे कोहिजिव सॉइल क्या हो जाता है, कोहिजिव सॉइल तो सिंपल है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यार ना सपोज कोई भी सॉइल है उसमें आप पानी मिला दिए तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा कह सकते हैं कि सिंकिंग हुआ, ठीक है, तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सीरिंग स्ट्रेंथ रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। इफ़ वाटर कंटेंट इंक्रीज, जब वाटर कंटेंट बढ़ा दिया जाता है तो देन फ्लो इंडेक्स क्या हो जाता है, पता है उसका इंक्रीज बढ़ाया जाता है। लेकिन जब और क्या हो जाता है, शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बस ये फ्लो इंडेक्स बढ़ जाता है और शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं तलुस। अब देखो इस जो क्वेश्चन में सारा डिटेल में लेके आया हूँ, बिकॉज अभी जो मेरे लॉय सॉइल होते हैं, लॉय सॉइल यानी ईओलाइन सॉइल, तो वो ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, विंड के जरिए उत्पन्न होता है। अब सारे सॉइल लेके आ रहा हूँ बिकॉज इन सॉइल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड है, जो कि ईजिली आप मैं समझा दूंगा, पढ़ लेना क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तलुस इज अ सॉइल, ये तलुस सॉइल है तो वो ट्रांसपोर्टेड होती है किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं टाइप ऑफ सॉइल, अभी इसके बारे में बताऊंगा। टाइप ऑफ सॉइल में देखो ईओलाइन सॉइल होती है, ईओलाइन सॉइल जो कि होती है वो ट्रांसपोर्टेड बाय द रनिंग वाटर से ये उत्पन्न होती है। कह सकते हैं जो ऊपर हिमालय है, यानी कि इंडिया का मैप है उसमें जो ऊपर हिमालय है वहाँ से फ्लो होती है, वहाँ से फ्लो होती है तो बारिश होती है, तो उस चीज़ में ये अपना क्या कहते हैं ईओलाइन सॉइल फ्लो होती है। कह सकते हैं कि या श्रीनगर या वहाँ सबसे ज़्यादा रहता है। देखो फ्रैगमेंट सेडिमेंट ऑफ रॉक ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, वाटर से ये ट्रांसपोर्ट होती है। इतना याद कर लेना बस, वाटर ईओलाइन सॉइल किससे ट्रांसपोर्टेड होती है, वाटर, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इतना इनफ है। एंड लेकस्ट्राइल, देखो लेकस्ट्राइल सॉइल मैं बताता हूँ, लेकस्ट्राइल सॉइल होती है क्या, लेक, अपन कह सकते हैं लेक से नाम, कि जो लेक है तालाब में सबसे ज़्यादा मिट्टी वहीं से पाई जाती है लेकस्ट्राइल सॉइल, और जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भोपाल में, MP मध्य प्रदेश भोपाल में है। तो यही थोड़ा याद करना कि जो इंडिया का भारत है मैप है उसमें जो MP बीच में है, तो वहाँ भोपाल में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है, लेक स्ट्राइल सॉइल। और कह सकते हैं डिपोजिटेड बाय द स्टिल वाटर एजेंट सच अ लेक, स्टिल वाटर जहाँ वाटर ठहरा हुआ है यानी लेक में, वहाँ ये लेक स्ट्राइल सॉइल पाई जाती है। मरीन सॉइल ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, मरीन मीन्स कह सकते हैं कि जो समुद्र है वहाँ सबसे ज़्यादा सॉइल पाया जाता है। कह सकते हैं दीज आर द सैंड सिल्ट क्ले डिपोजिट बाय सेल्टी, यानी कह सकते हैं नमकीन वाटर और ओशन वाटर से ये मरीन सॉइल पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लेशियल सॉइल भी काफ़ी पूछा जाता है कि ग्लेशियल यानी ग्लेशियल कैसे ठंडा ठंडा को, तो कह सकते हैं ग्लेशियल आइस आइस कह सकते हैं, तो ये भी हिमालय में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इट कंटेन मिक्सर ऑफ द बोल्डर ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले, ओके। एंड देखो अब जो तलुस पढ़ाया ना उसी चीज़ को बोला जाता है कॉल्यूबल सॉइल, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉल्यूबल सॉइल। तो दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बताया ना ग्रेविटेशनल क्या होता है, ऊपर सपोज इंडिया हिमालय हिमालय आप हिमालय पहाड़ होती है हिमालय, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो ऑटोमेटिकली यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेचुरल कह सकते हैं फोर्स के जरिए ही क्या कहते हैं सॉइल डेवलप होती है, कह सकते हैं फॉर्म होती है। तो इधर माउंटेन कह सकते हैं हीली, देखो माउंटेन एरिया हीली एरिया, तो वो कहाँ पर है हिमालय ऊपर, ठीक है, स्टीप स्लोप, स्लोप मीन्स होता है आपको पता है ढलान टाइप में, तो वहाँ से ये ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैलेबल सॉइल होती है वहीं से उत्पन्न होती है। ईओलाइन सॉइल क्या होती है, ऑब्वियसली ये ईओलाइन सॉइल ट्रांसपोर्टेड डिपोजिट बाय विंड, ऑब्वियसली मैं ऊपर बता चुका हूँ, तलुस सॉइल भी कह सकते हैं इसे, सॉरी तलुस नहीं लुइस सॉइल, तलुस तो अभी मैंने पढ़ा। मल सॉइल, मल सॉइल भी पूछा जाता है, इट्स इंपॉर्टेंट सॉइल, ये क्या कहते हैं जो बोन्स होती हैं
और जानवरों की हड्डियाँ वगैरह उनको जो उनसे ही क्या है मिट्टी पाई जाती है। ऐसे दीज आर फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉयल और मरीन और यानी कि दीज आर फॉर्म्ड कहाँ से फॉर्म होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बॉडी सेल ऑफ द डेड एनिमल इन ओशियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। एंड नेक्स्ट आते हैं कि हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर क्या रीडिंग करता है, टेम्परेचर मेनिस्कस डिस्पर्सन एजेंट एंड करेक्शन। नेक्स्ट आते हैं द रेशियो ऑफ द किसका रेशियो, वॉल्यूम ऑफ द एयर वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉइड, उस चीज़ को क्या बोलता है एयर कंटेंट। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे एयर वॉइड पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और सम सारे ड्राई वेट, सारे जो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर, ठीक है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं वाटर कंटेंट, क्या बोलते हैं वाटर कंटेंट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि अकॉर्डिंग रेंगन फॉर्मूला काफ़ी पूछा जाता है। तो ये आप जो मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, सपोज जो फाउंडेशन का मिनिमम डेप्थ फाइंड करना होता है तो उसमें जो फॉर्मूला होता है तो किसके अकॉर्डिंग, तो वो अपना रेंकाइन फॉर्मूला कह सकते हैं पी अपॉन डब्ल्यू वन माइनस साइन फाइव अपन वन प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, तो ये अपना रहेगा फॉर्मूला। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट्स भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि इसमें क्या आपको डाउट है, तो देन मैं आपको बताऊँगा इजिली एंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।